दोस्तों, आपको हमने इस कार्यक्रम की पिछली कड़ी में कुछ बातें बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से पुरुषोत्तमन सी एंड अदर्स, साथ साथ में मनोज कुमार पाठक एंड अदर्स, ये सारे केसेस नियमितीकरण के संबंध में, खासतौर से आकाशवाणी कैजुअल्स के नियमितीकरण के संबंध में चल रहे थे। उनकी क्या स्थितियां रही, किस तरह से यह केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ये सारी बातें आप तक हमने पहुंचाई है। इस कड़ी के अंत में हम आपको एक रिटायर्ड जज से संवाद भी कराएंगे, एक रिटायर्ड जज के विचार भी आप तक पहुंचाएंगे इस केस के संबंध में। आकाशवाणी में रेगुलराइजेशन की बात, नियमितीकरण की बात आज नई नहीं है, बहुत साल पहले से ये मांग चलती रही है। आकाशवाणी में पहले भी बहुत सारे नियमितीकरण हुए हैं। 1978 में हुई नियमितीकरण की मांग, कैजुअल कर्मियों ने प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखा। मंत्रालय ने आकाशवाणी दूरदर्शन के कैजुअल कर्मियों के लिए 8 सितंबर 1978 को रेगुलराइजेशन की स्कीम बनाई। 8 सितंबर 1978 को बनाई गई ये नीति 10 जुलाई और 21 अगस्त 1981 के मेमोरेंडम से लागू हुई। 1972 में काम के आधार पर स्टाफ आर्टिस्ट का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया, पहला जनरल असिस्टेंट संवर्ग कॉपीस्ट आदि, दूसरा प्रोडक्शन असिस्टेंट संवर्ग, तीसरा अनाउंसर संवर्ग, न्यूज रीडर कंपियर आदि, चौथा जर्नलिस्ट संवर्ग और पांचवा एकम्पनिस्ट संवर्ग। आकाशवाणी ने इनमें से 2 संवर्ग यानी जनरल असिस्टेंट संवर्ग और प्रोडक्शन असिस्टेंट संवर्ग को 1983 तक नियमित कर दिया, बाकी को छोड़ दिया गया, जबकि दूरदर्शन ने अपने सभी कैजुअल आर्टिस्ट को नियमित कर दिया। नियमितीकरण की इस नीति में 17 मार्च 1994 को संशोधन हुआ और इसे सरल बनाया गया। नियमितीकरण नीति के अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने आकाशवाणी को सुरेश वर्मा एवं अन्य के केस में फटकार लगाई। इसके बाद भी अनाउंसर कंपेयर संवर्ग को इसका लाभ नहीं दिया गया। कैजुअल्स के नियमितीकरण का एक मामला 1995 से कैट हैदराबाद में चल रहा था, जिसका फैसला 2003 में हाईकोर्ट हैदराबाद से आया। फैसले के बाद 2004 में आकाशवाणी कोटा गुडम के 3 कैजुअल कंपेयर्स को प्रोडक्शन असिस्टेंट पद पर नियमित किया गया। आकाशवाणी त्रिवेंद्रम के कंपेयर पी रामेंद्र कुमार ने जब 5 अगस्त 2009 में अपने नियमितीकरण का मामला केरल हाईकोर्ट से जीत लिया, तब उन्हें नियमित कर ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव यानी कि ट्रैक्स बनाया गया। 29 जनवरी 2009 को आकाशवाणी महानिदेशालय से सभी केंद्रों को पत्र जारी करके बताया गया कि आकस्मिक कर्मियों के नियमितीकरण की योजना तैयार की जा रही है। पत्र में सूचना मांगी गई कि अनाउंसर, न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर, वाद्य यंत्र संगीतकार, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, लाइब्रेरी और इन्फॉर्मियन असिस्टेंट, प्रोडक्शन असिस्टेंट, जनरल असिस्टेंट और अन्य BCD पदों के कार्य हेतु स्वीकृत पैनल में शामिल कर्मियों की संख्या दें। इन कार्यों के लिए बनाए गए पदों के नाम 16 मार्च 2001 से दिसंबर 2007 तक कुल रिक्तियों की संख्या मांगी गई। इन पदों के लिए 2003 से 2007 तक प्रतिवर्ष रखे गए कैजुअल कर्मियों की वास्तविक संख्या और सभी श्रेणियों में सभी पदों पर 2008 से अब तक हुई भर्तियों की स्थिति पत्र के माध्यम से जानने की गुजारिश की गई। महानिदेशालय को केंद्रों से सूचना नहीं मिली। महानिदेशालय ने केंद्रों को कई रिमाइंडर भेजे। 2009-10 की संसदीय समिति ने नियमितीकरण की सिफारिश करते हुए लिखा कि आकाशवाणी में अनुचित श्रम की प्रथा बन रही है, ये प्रतिभाशाली लोगों के कैरियर की संभावना को बाधित करता है। समिति ने पाया कि आकाशवाणी में 6,433 पद खाली पड़े थे। आकाशवाणी निदेशालय ने संसदीय समिति की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। 23 नवंबर 2011 को कन्नूर केरल आकाशवाणी केंद्र से कैजुअल अनाउंसर कंपेयर्स ने कैट में नियमितीकरण का केस दायर किया। 17 जुलाई 2012 को कैट ने निदेशालय को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं को राहत दें, लेकिन कई महीने बीतने पर भी निदेशालय ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। समय बीतता देख
याचिकाकर्ताओं ने महानिदेशालय पर अवमानना संबंधी कार्यवाही का आवेदन किया। 15 अक्टूबर 2012 को महानिदेशालय ने याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत पत्र भेजकर नियमितीकरण पॉलिसी बनाने और उस पर कार्यवाही किए जाने की जानकारी दी और इसके लिए कोर्ट से 6 महीने का समय मांग लिया। इधर महानिदेशालय ने रीस्क्रीनिंग और नई भर्ती का आदेश जारी कर दिया। साथ ही सभी कैजुअल कर्मियों से किसी भी कोर्ट में दावा न करने संबंधी अंडरटेकिंग भी साइन करवाने लगे। कई केंद्रों में कैजुअल्स ने रीस्क्रीनिंग, नई भर्ती और अंडरटेकिंग का विरोध किया। एफएम गोल्ड दिल्ली के कैजुअल कर्मियों ने कैट में आवेदन देकर इस प्रक्रिया पर रोक लगवा ली, लेकिन देश के शेष केंद्रों पर ये प्रक्रिया जारी रही। एक बात यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि इस दमनकारी नीति के खिलाफ आकाशवाणी में जितने भी कैजुअल हैं वो अलग अलग जगह पर संगठित होने लगे, अलग अलग जगह संगठित होकर इसका विरोध करने लगे। सिर्फ कोर्ट जाना ही एक माध्यम नहीं था, अपनी बात को कहने के लिए लोगों ने मोर्चे, धरना प्रदर्शन भी किया। रीस्क्रीनिंग अंडरटेकिंग के खिलाफ और नियमितीकरण की मांग करते हुए 3-4 अगस्त 2015 को जंतर मंतर दिल्ली में देश भर से आकाशवाणी कैजुअल अनाउंसर कंपेयर्स एकत्रित हुए और 2 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धर्मशाला आकाशवाणी कैजुअल्स ने 27 अप्रैल से 5 मई 2016 तक धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते रीस्क्रीनिंग के नाम पर जबरन फेल कर बाहर किए गए कैजुअल्स को वापस लेने का आदेश जारी किया गया। 18 मई 2016 को मध्य प्रदेश की आकाशवाणी छतरपुर में कैजुअल्स ने आंदोलन प्रदर्शन किया। ये लोग रीस्क्रीनिंग के नाम पर पैनल से हटाए गए कैजुअल्स को वापस लेने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के बाद उन्हें वापस ले लिया गया। इसी दौरान आकाशवाणी कैजुअल्स को जागरूक करने 26 जून 2016 को बालाघाट मध्य प्रदेश में जोनल सम्मेलन आयोजित किया गया। ऐसा ही जोनल सम्मेलन शिमला हिमाचल प्रदेश में 15 जुलाई को आयोजित किया गया। 2016 में 26 जुलाई को संसद के वर्षाकालीन सत्र में शिमला क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने आकाशवाणी कैजुअल्स के नियमितीकरण संबंधित सवाल उठाया। आकस्मिक उद्घोषकों कंपनियों का चयन विधिवत तरीके की प्रक्रिया के और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार उत्तीर्ण होने पर किया जाता रहा है और उनको वाणी प्रमाण पत्र प्रशिक्षण के पश्चात आज भी 10 से 30 वर्ष तक लगातार जो काम कर रहे हैं उनको जो है वो रेगुलर नहीं किया जा रहा है। हालांकि सरकार की जो है वो नियमितीकरण की नीति है उसके अंतर्गत जो है वो कई निर्णय जो है कोर्ट से भी आए हैं, कैट के माध्यम से भी आए हैं, परंतु फिर भी आज सैकड़ों हमारे ऐसे आर्टिस्ट कैजुअल आर्टिस्ट हैं जो रेगुलराइज नहीं हो रही है। मेरा आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आग्रह है कि वो जितने भी कैजुअल आर्टिस्ट दिए गए आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र में उनको जो है रेगुलराइज किया जाए। धन्यवाद। 1 अगस्त से 12 अगस्त 2016 तक एक बार फिर जंतर मंतर पर देश भर के आकाशवाणी कैजुअल अनाउंसर कंपेयर्स ने धरना प्रदर्शन और क्रमिक भूख हड़ताल दी। ये आकाशवाणी के कैजुअल अनाउंसर हैं जो दिहाड़ी मजदूरों की तरह कई वर्षों से काम करते आए हैं। इसी दौरान इनकी नौकरी को परमानेंट करने की कोई पहल नहीं की गई है। अब परेशान होकर इन्होंने आंदोलन का सहारा लिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कैजुअल अनाउंसर का धरना 1 अगस्त को शुरू हुआ। देश भर में काम करने वाले आकाशवाणी के कैजुअल अनाउंसर धरने में शामिल। कैजुअल अनाउंसर के सहारे ही आकाशवाणी का ज्यादातर काम होता है। आरोप है कि कैट और हाईकोर्ट में केस जीतने के बाद भी कैजुअल अनाउंसर्स की नौकरी रेगुलर नहीं की गई है। 2 अगस्त 2016 को सांसद नाना भाऊ पटोले ने नियम 377 के तहत संसद में मामला उठाते हुए बरसों से कार्यरत आकाशवाणी कैजुअल अनाउंसर्स कंपेयर्स को शीघ्र नियमित किए जाने की मांग की। इसका जवाब 4 अक्टूबर 2016 को तत्कालीन सूचना प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर की ओर से भारत सरकार की उप सचिव हरचरण कौर ने दिया, जिसमें कहा गया कि कैजुअल अनाउंसर्स कंपेयर्स नियमित कर्मचारी नहीं है और न ही इन्हें नियमित रिक्तियों के स्थान पर कार्य हेतु लगाया जाता है। सरकारी सेवा में भर्ती के लिए लिखित, मौखिक व अन्य प्रकार की दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, इसलिए इनका नियमितीकरण कानून की दृष्टि से उचित नहीं है।
आगे 2016 में महानिदेशालय द्वारा बनाई गई उसी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर कहते हैं कि समिति ने विस्तृत अध्ययन करते हुए ये पाया कि आकाशवाणी के संसाधन उद्देश्य, वित्तीय स्थिति, सामाजिक न्याय, अन्य प्रसारकों से प्रतिस्पर्धा और जनहित को ध्यान में रखते हुए नियमितीकरण संभव नहीं है। जवाब में आगे विभिन्न न्यायालयों में लंबित और खासकर सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का जिक्र भी किया है। इस तरह सूचना प्रसारण विभाग की ओर से संसद में दाखिल जवाब एक बार फिर झूठ का पुलिंदा साबित हुए, क्योंकि 1999 में इस कैडर को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित किया गया। निदेशालय की ओर से 4 दिसंबर 2017 को जबलपुर हाई कोर्ट में दाखिल जवाब में कैजुअल अनाउंसर कंपेयर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना है और इनकी नियुक्ति स्वीकृत रिक्त पदों पर त्रिस्तरीय परीक्षा द्वारा ही होती है। इन तमाम स्थितियों पर आगे की रणनीति बनाने आकाशवाणी कैजुअल कर्मियों ने 14 नवंबर 2016 को नागपुर में अधिवेशन लिया। 6 दिसंबर 2016 को एक बार फिर देश भर से कैजुअल अनाउंसर कंपेयर्स इकट्ठे हुए और 12 दिसंबर तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस बीच सरकार के कई मंत्रियों, सांसदों से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में अवगत कराया गया। फरवरी 2017 को बिलासपुर छत्तीसगढ़ के सांसद लखनलाल साहू ने आकाशवाणी कैजुअल्स के नियमितीकरण का मामला संसद में उठाया। और 20 एफएम रेनबो स्टेशन संचालित हो रही है, जिसमें हजारों की संख्या में भवी कैजुअल आर्टिस्ट वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आकाशवाणी की आवाज हम सभी सुनते हैं और विगत कई वर्षों से ये सभी अनुभवी कैजुअल कर्मी इसमें सेवा दे रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बताना चाहूंगा, यहाँ 5 आकाशवाणी केंद्र संचालित हो रही है, रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर। इन केंद्रों में मात्र 2% नियमित उद्घोषक है, जो उद्घोषणा के साथ साथ अन्य काम भी करते हैं, जिनमें रिकॉर्डिंग का काम, एडिटिंग का काम, प्रोग्राम मेकिंग, लाइव प्रोग्राम, लॉग बुक भरने जैसे अनेक कार्य करने में दक्ष है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इन पदों पर विगत 25 वर्षों से भर्ती की जो स्थायी प्रक्रिया वो नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाह रहा हूं कि ऐसे उद्घोषकों को नियमित करते हुए भर्ती प्रक्रिया के जो है प्रक्रिया उसको चालू किया जाए, और जो अनियमित आकस्मिक जो उद्घोषक है उसको नियमित करने की शुरुआत में 21 फरवरी और 18 मार्च के महानिदेशालय के आदेश से आकाशवाणी केंद्रों ने पुराने अनाउंसर कंपेयर्स की री स्क्रीनिंग के नाम पर त्रिस्तरीय परीक्षाएं शुरू कर दी, साथ ही नई भर्ती का विज्ञापन भी देना शुरू कर दिया। महानिदेशालय के इस आदेश को चुनौती देते हुए देश भर से करीब 1500 कैजुअल्स विभिन्न अदालतों से न्याय मांगने पहुंचे। विभिन्न अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी पर जारी स्टेटस के आलोक में इस एसएलपी के अंतिम फैसले तक के लिए यथास्थिति आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बाद आकाशवाणी महानिदेशालय से कोर्ट गए लोगों को री स्क्रीनिंग से अलग रखने का आदेश जारी हुआ, लेकिन अघोषित रूप से ड्यूटी की संख्या कम कर दी गई। इस बीच अप्रैल 2017 में देश भर के आकाशवाणी कैजुअल अनाउंसर और कंपेयर्स ने दिल्ली में अधिवेशन किया और जुलाई 2017 में अपने संगठन को ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवा लिया। कोर्ट गए कैजुअल्स पर जब आकाशवाणी केंद्रों के अधिकारियों ने अत्याचार बढ़ा दिए, तब पीड़ितों ने आकाशवाणी केंद्रों के सामने अदालत का आदेश मांगने की मांग के साथ धरना, ज्ञापन, अनशन आरंभ कर दिया। आकाशवाणी हिसार में 21 जून 2017 से शुरू हुई भूख हड़ताल। 5 दिनों बाद इसमें शामिल एक महिला की तबीयत बिगड़ गई और प्रशासन ने मांगे मानते हुए आंदोलन समाप्त करवाया। ऑल इंडिया रेडियो कैजुअल अनाउंसर एंड कंपेयर्स यूनियन के तहत 11 और 12 सितंबर 2017 को सामान्य सभा के बाद जंतर मंतर से
आकाशवाणी महानिदेशालय तक मूक मोर्चा निकालकर प्रदर्शन किया गया। 26 सितंबर 2017 को आकाशवाणी वाराणसी के कैजुअल्स ने कोर्ट से प्राप्त स्टेटस को आदेश का अनुपालन करने का अनुरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया। सांसद राजू शेट्टी के प्रश्न के जवाब में 8 फरवरी 2018 को तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने देश भर में आकाशवाणी कैजुअल्स की संख्या 1500 बताई। इससे पहले महानिदेशालय की एक्सपर्ट कमेटी ने यह संख्या 10,000 के करीब बताई थी। संसदीय समिति को 2200 बताई गई और RTI की जानकारी के समय यह संख्या 4271 थी। कोर्ट के आदेशों की अवमानना भी लगातार हो रही है। सन 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि जो स्थिति वर्तमान में है वो बनी रहे तब तक जब तक इस केस का, खासतौर से जो नियमितीकरण पुरुषोत्तम सी और अदर्स के मामले में जो नियमितीकरण का केस है वो पूरी तरह से उसका निराकरण ना हो जाए, तब तक इन तमाम लोगों की स्थिति यथावत रखी जाए, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव न किया जाए। इसके बावजूद कैजुअल अनाउंसर कंपेयर का नाम बदल दिया गया, यानी कि पदनाम बदल दिया गया, उसे असाइनी पुकारने लगे, कॉन्ट्रैक्ट P5 की जगह दूसरे कॉन्ट्रैक्ट आ गए, शर्तें पूरी तरह से बदल दी गई। यथास्थिति रखने के आदेश के बावजूद रीस्क्रीनिंग और नई भर्तियां, उन्हीं पदों पर नई भर्तियां होने लगी, बहुत कुछ होता रहा। स्टेटस को आदेश से कोर्ट गए कैजुअल्स को रीस्क्रीनिंग परीक्षा से अलग तो रखा गया, लेकिन आकाशवाणी महानिदेशालय ने कोर्ट गए कैजुअल्स को भी नई शर्तों वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फरमान जारी कर दिया, ये कहते हुए कि प्रशासनिक एकरूपता के लिए आवश्यक है। और फिर कैजुअल्स ने इस जबरदस्ती का भी विरोध किया। 21 मार्च 2018 से कोटा में नई शर्तों वाले अनुबंध पर जबरन हस्ताक्षर कराने के खिलाफ और कोर्ट का आदेश मनवाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ। 50 लोग जो कंपेयर अनाउंसर हैं वो माननीय न्यायालय की शरण में हैं, हमें यथास्थिति का आदेश मिला हुआ है, तो जो जिन शर्तों पर यथास्थिति का आदेश मिला हुआ है हमें उसी यथास्थिति पर काम कर दिया जाए और हमारी ड्यूटियां पुनः लगाई जाए, हमें अलग आमंत्रण पत्र में सिग्नेचर करके हमें बाहर निकालने का रास्ता नहीं दिखाया जाए। हमारी छोटी सी मांग है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, कि जो 25 वर्षों से जिस P5 पर हम सिग्नेचर करते आ रहे हैं उसे पे कराया जाए और हमारी ड्यूटियां नियमित की जाए। 7 दिन तक चला यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब आकाशवाणी केंद्र ने भुगतान के लिए नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की शर्त वापस ले ली। लेकिन इसके बाद महानिदेशालय ने आकाशवाणी कोटा केंद्र में कार्यक्रम निर्माण ही बंद करवा दिया और इसे रिले सेंटर बना दिया, जहां से सिर्फ दिल्ली मुंबई के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जा रहे हैं। साथियों, अब हम आपको बताएंगे कि इस तमाम प्रकरण के बारे में एक रिटायर्ड जज माननीय अनिल वैद्य साहब क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उनसे। कैजुअल अनाउंसर का जो आप लोगों ने काम किया है, आपने एक देश के लिए काम किया है, देश की सेवा की है, और अनाउंसरशिप जो होती है ये कोई कंटिन्यू नहीं होती है, ये बीच में कोई प्रोग्राम आते उस प्रोग्राम के मुताबिक दूसरा अनाउंसर होता है, ये कैजुअल ही होता है। सही देखा जाए तो इसको कैजुअल शब्द भी यूज़ नहीं करना चाहिए, अनाउंसर अनाउंसर होता है। अब आपको कैजुअल अनाउंसरशिप देने के बाद यदि रेगुलर नहीं करते हैं और आप लोग यदि कोर्ट में गए हैं तो आपकी जायज मांग है, जब आपने इतने दिन तक इतने सालों तक काम किया है तो आपको रेगुलर करना चाहिए। और पार्लियामेंट्री कमेटी का भी एक पॉलिसी है कि जो भी कैजुअल है उन लोगों को कन्फर्म किया जाए। मैं ये केरला हाईकोर्ट का भी एक जजमेंट पढ़ा था इस बारे में कि कैजुअल जो लोग होते हैं उनको कन्फर्म किया जाए। देखो, लोकशाही में लोक कल्याणकारी डिसीजन लेना, लोगों के हित में काम करना, न्यायालय का
अपने एग्जीक्यूटिव का, प्रशासन का, सरकार का दायित्व होता है। अब इतने साल तक कैजुअल काम करने के बाद यदि आप लोगों की उम्र बढ़ती है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, और ये सब बातों का जब उत्तरदायित्व आप पे आता है, तो आपकी जो मांग है ये नैसर्गिक न्याय के मुताबिक है। नेचुरल जो जस्टिस है वो आपको मिलना चाहिए कि कैजुअल वर्क करने के बाद यदि एज बार होता है, एज बड़ा होता है, और एज के मुताबिक उसकी फैमिली बढ़ती है, ओल्ड एजेड पेरेंट्स के भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो उन लोगों ने कहाँ जाना? जिन लोगों ने देश की सेवा की है, आप लोगों ने कोई एंटी सोशल काम तो किए थे, देश के हित में काम किए, तो आपके लिए तो आपको तो कन्फर्म करना चाहिए। आप कन्फर्म करते वक्त यदि कोई अथॉरिटी इसमें अड़ंगे डालते हैं और अब फिर से टेस्ट लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अरे उस वक्त का आदमी आज भी वैसा ही रहेगा क्या? उसमें थोड़ा बदल होना तो स्वाभाविक है, और जब उम्र के हिसाब से बदल होते हैं तो उसके लिए उसका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को ख्याल में लेते वक्त आपकी मांग न्यायपूर्ण है, मेरे ख्याल से आपको जरूर न्याय मिलेगा। सुदीप जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वहां तक आवाज पहुंचेगी जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं, शायद ये सरकार कुछ कर पाएगी।